ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ब्लेंडर हो गया, ब्लेंडर हो गया, काफी तगड़ा ब्लेंडर हो गया। ऐसा लग रहा है मैंने फेक आई लैशेज लगाई हैं, बट नो, यू ये थोड़ा अजीब है, कंसीलर फंस गया इसमें, मेरा नेल टूट जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी व्हेरेवर यू आर। टुडे आई विल बी ट्राइंग लॉट ऑफ न्यू मेकअप। व्हेन आई से लॉट, एक्चुअली लॉट, बहुत टाइम से वीडियो पेंडिंग थी तो बढ़ता गया। ये सब कुछ न्यू है, मैं आप सबके सामने ट्राई करने वाली हूँ। आई हैव ऑर्डिनरी का मेकअप, देन आई हैव मार्स कॉस्मेटिक्स, आई हैव स्विस ब्यूटी, वेट एंड वाइल्ड, फेसेस कैनेडा, के ब्यूटी, मतलब बहुत सारी रैंडम ब्रांड्स हैं जो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ। पूरी मेकअप लुक आज हम न्यू मेकअप यूज करके ही क्रिएट करेंगे। एंड यू गाइस नो आई एम नॉट अ MUA मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूं, तो मेरा कोई मोटिव नहीं है कोई लुक क्रिएट करना। मेरा सिर्फ मोटिव है आप सबको रिव्यूज देना कि ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के ऊपर ये मेकअप कैसा लगता है। तो मैं आपको क्विक रिव्यूज देने वाली हूँ सारे प्रोडक्ट्स के। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। एंड जस्ट इन केस यू आर न्यू हेयर, प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजों के बारे में रिव्यू करते हैं, बात करते हैं, हॉल्स बनाते हैं, इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं। सो आई थिंक ये चैनल आपके लिए एकदम परफेक्ट है। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे हिट कर दो, एंड नाउ लेट्स गो। सो लेट्स स्टार्ट विद स्किन केयर। फर्स्ट, मेरी एकदम बेयर स्किन है, खाली मैंने लिप ऑयल लगाया हुआ है, नथिंग ऑन माय स्किन राइट नाउ। सो जब भी एक अच्छे फ्लॉलेस मेकअप की बात आती है ना, सबसे बड़ा जो इशू होता है जो थोड़ी देर बाद ही निकलने लग जाता है अगर आप स्किन केयर नहीं करते, वो होते हैं पोर्स। बिकॉज अगर आपके पोर्स बहुत ज्यादा बड़े हैं या फिर एक्ने के भी काफी बार जो हल्के हल्के स्कार्स रह जाते हैं ना, वो पोर्स जैसा बन जाता है, वो काफी अजीब लगता है, मेकअप उसके ऊपर अच्छे से स्टे नहीं करता। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक अच्छा सीरम लगाओ जो आपके पोर्स भी वर्क करे, प्लस आपको स्वेटिंग होने से भी बचाए, सो दैट आपका जो मेकअप है वो काफी लॉन्ग लास्टिंग बने। और वैसे भी अगर आपको पोर्स के इश्यूज है ना, दिस पर्टिकुलर सीरम इज परफेक्ट फॉर यू। आई हैव द डर्माको पोर मिनिमाइजिंग फेस सीरम विच इज स्पेसिफिकली मेड फॉर ओपन पोर्स। इसके अंदर 4% नायसिनमाइड है, 5% PHA है, एंड पी रिफाइनल है। सो अब अगर आपको नहीं पता, जो डर्माको है वो कम्प्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री हो चुका है, सो ऑल द सीरम्स आर फ्रेग्रेंस फ्री। सो अगर आपकी अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तभी भी आपको ये सूट कर जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरम, ये स्पेसिफिकली बना है आपके डायलेटेड पोर्स के ऊपर, जो बहुत बड़े पोर्स हो जाते हैं उस पर वर्क करता है। एट द सेम टाइम इसके अंदर जो अच्छे माइल्ड केमिकल एक्सफोलियंस है ना, वो डेड स्किन सेल्स पे वर्क करते हैं, कोलाजन सिंथेसिस पे वर्क करते हैं। सो ओवरऑल आई थिंक ये बिगनर्स के लिए एकदम परफेक्ट सीरम है, बिकॉज जो बिगनर्स होते हैं ना उनके लिए 4% नायसिनमाइड इज परफेक्ट। काफी बार 10% पे भी लोगों को इरिटेशन हो जाती है। प्लस इसके अंदर जो केमिकल एक्सफोलिएंट है, जो है PHA, जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं, वो बिगनर्स के लिए एकदम सूटेबल है, बिकॉज ये काफी जेंटल होता है, ये सेंसिटिव स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है, काफी अच्छा एकदम लिक्विडी पतला टेक्सचर है। सो अगर आपकी एक्सट्रीमली कंजेस्टेड ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तभी भी आपको सूट कर जाएगा, बिकॉज ये स्किन पे हैवी नहीं फील होता। कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन, जो समर्स है ना वो काफी ज्यादा अभी चिपचिपा एटमॉस्फेयर कर देता है, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। सो मैं कैसे लेने वाली हूँ, आई जस्ट टेक फ्यू पम्प्स इन माई हैंड। मैं ड्रॉपरों को भी स्किन से डायरेक्टली टच नहीं करती, जस्ट स्प्रेडिंग इट इन टू माई हैंड्स लाइक दिस, एंड सबसे पहले मैं इसको पुश करूंगी स्किन के ऊपर अच्छे से, एंड देन आई स्टार्ट मसाजिंग इट इन टू माई स्किन। मेक श्योर आपके जहाँ पे पोर्स वाले एरिया ज्यादा है ना, आप वहां इसको अच्छे से फोकस करो। जस्ट लाइक दैट इट गोज इन टू माई स्किन सो ब्यूटिफुली, बिल्कुल भी हैवी ग्रीसी नहीं फील होता है। यू कैन सी द शाइन इज रियली नाइस, आई कैन एक्चुअली फील अ नाइस मैट इफेक्ट ऑन माई स्किन। और नायसिनमाइड की तो वैसे भी क्वालिटी यही होती है, वो ऑयल जो प्रोडक्शन होता है ना, एक्सेस ऑयल आपकी स्किन से, उसको कंट्रोल करके रखता है। सो मेकअप करने से पहले आई थिंक एकदम परफेक्ट सीरम है, या फिर वैसे भी अगर आपको पोर्स के इशू है, आपकी स्किन पे डेड स्किन सेल्स बहुत ज्यादा है, और आप कोई हार्श इंग्रेडिएंट वाला सीरम नहीं यूज करना चाहते, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिगिनर फ्रेंडली सीरम। सो मेक श्योर यू आर यूजिंग सनस्क्रीन ड्यूरिंग द डे टाइम, और अगर रात को लगा रहे हो स्टिल आपको नेक्स्ट डे जब जाओगे सनस्क्रीन लगानी है, बिकॉज इसके अंदर केमिकल एक्सफोलियंस है, सो यू नीड नाइस सन प्रोटेक्शन। एंड यू हैव टू डू पैच टेस्ट, कोई भी नया स्किन केयर आप जब इंक्लूड करते हो ना, हमेशा थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लिया करो, सो दैट यू आर श्योर कि प्रोडक्ट आपको रिएक्ट नहीं कर रहा, एंड देन गो अहेड विद योर रेगुलर यूज। ऑल्सो डर्माको इज वर्किंग ऑन अ ग्रेट इनिशिएटिव, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद Me. They have pledged to help 10,000 students across the year. You can grab this from Dermaco's official website. Mera coupon code us pe work karta hai, Kashika2022. You can get extra 20% off from the official website. Lekin ye code unke combos pe work nahi karega, because combos already discounted price pe hote hain. Apart from that, ye product available hai Amazon, Nike, Flipkart pe. Aap kahin se bhi le sakte ho, lekin code inki official website pe lagega. Baaki saari details aapko niche description box mein mil jayenge, so please check kar lena. I also moisturize my face really well. Kabhi bhi aapko serum lagate ho, uske baad acha moisturizer lagaya karo. प्लस हमें नहीं पता हम जो मेकअप यूज करने वाले हैं वो एक्सट्रीमली मैट होगा, हमारा बेस क्रैक हो सकता है, तो एक अच्छा हैवी मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जो ट्राई करने वाले हैं वो है प्राइमर। प्राइमर कैटेगरी में मेरे पास द ऑर्डिनरी का ये प्राइमर, मैंने इससे पहले बहुत पहले वीडियो बनाई थी, माय सब्सक्राइबर्स सेंड टू मी
स्किन केयर एंड मेकअप फ्रॉम यूएसए, तो तब मैंने उनसे ये मंगवाया था। सो ये हाई अधेरेंस सिलिकॉन प्राइमर, कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग है और एक बेसिक सा सिलिकॉन प्राइमर है। उस टाइम जब मैंने उनसे मंगवाया था वहाँ पे कोई सेल चल रही थी वेबसाइट पे, तो मुझे काफी अच्छी डील पे मिल गया था। दिस इज हाउ द ट्यूब पैकेजिंग लुक्स लाइक, टिपिकल जो ऑर्डिनरी की ट्यूब पैकेजिंग होती है। एंड ये प्रॉपर एक सिलिकॉन प्राइमर अपने आपको क्लेम करते हैं। सो वो हम देखते हैं। वो इट्स लाइक अ मिल्की वाइट कलर, मुझे लगा ट्रांसपेरेंट होगा सिलिकॉन है तो, पर ये एक्चुअली काफी व्हाइट व्हाइट और मिल्की है। मैं हैंड्स में लगा के इसको वेस्ट नहीं करने वाली। अगेन वर्किंग ऑन द हाई पॉइंट्स नहीं, जहाँ पे पोर्स के सबसे ज्यादा इश्यूज होते हैं वहां लगाऊंगी। लाइक नोज पे थोड़ा सा अनइवननेस होती है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की वजह से, और मुझे इस एरिया में थोड़ी बहुत स्कारिंग है एक्ने की यहाँ पर जो होती है, तो मैं वहां पर लगा के इसको अच्छे से फिल इन कर दूंगी। या इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, ऑर्डिनरी के कोई प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस एज सच होती नहीं है। कमिंग टू फाउंडेशन, आई हैव अगेन फ्रॉम द ब्रांड ऑर्डिनरी। ये ऑर्डिनरी कलर्स का फुल कवरेज फाउंडेशन 1.2YG, इनकी शेड रेंज अमेजिंग थी। मतलब इतने सारे शेड्स ना मुझे नहीं समझ आ रहा था, मैं आगे पीछे जा के चेक कर रही थी। और इनके भी ऐसे YG ऐसे कोड आते हैं, सो वाई मीन्स येलो अंडरटोन, तो इसलिए मैंने वाई वाला उठाया बिकॉज इंडियन स्किन टोन थोड़ी सी येलो अंडरटोन पे ज्यादा होती है। बट स्टिल आई थिंक ये लाइट है, इसका नाम है 1.2YG लाइट येलो टोन विद गोल्ड हाइलाइट्स। इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ अपना शेड नेम। और ये फुल कवरेज फाउंडेशन इनका, ऑर्डिनरी के दो फाउंडेशन आते हैं आई थिंक, और ये उनका फुल कवरेज वाला है। सो देखते हैं इसकी कवरेज कैसी होगी। डेफिनेटली ये शेड लाइट है, आपको पैकेजिंग से लग रहा होगा कितना लाइट ये शेड है। ओके, सो फाउंडेशन लगाने से पहले थोड़ा सा कलर करेक्ट कर लेते हैं बिकॉज यू कैन सी मुझे एक्ने के मार्क्स हैं, और डायरेक्टली फाउंडेशन लगा लेना तो वो कवरेज नहीं आती, हमें एक फुल कवरेज अचीव करनी है। सो फॉर दैट आई हैव स्विस ब्यूटी का ऑरेंज कलर करेक्टर। आई एम द ओनली वन जिसको नहीं पता था कि स्विस ब्यूटी कंसीलर में ऑरेंज करेक्टर भी आता है, और इसमें ग्रीन भी आता है, मुझे अब पता चला जब मैंने ऑर्डर कर रही थी। आई लव यूजिंग ऑरेंज करेक्टर बिकॉज इससे काफी अच्छे से एक्ने मार्क्स एंड ऑल कंसील हो जाते हैं और ज्यादा प्रोमिनेंट दिखते नहीं है। हल्का सा मेकअप फेड भी होता ना तो इतने डार्क स्पॉट्स विजिबल नहीं होते। सो ये भी सेम प्राइस में आपको मिल जाता है, स्विस ब्यूटी कंसीलर वाला ही है ये। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक, जो इनका ये वाला कंसीलर आता है, ये इनका ऑरेंज शेड है। इसका शेड नंबर है N09 ऑरेंज। सेम आपको ग्रीन करेक्टर भी मिलता है। आई एम रियली सॉरी, मेरे साथ में कंस्ट्रक्शन चल रही है, आई कांट हेल्प इट, बट लेट्स सी कितना ऑरेंज है। एक बार जरा लगा के देखते हैं। इट्स लाइक प्रॉपर डीप ऑरेंज। इसको ब्लेंड करने के लिए हम यूज करने वाले हैं ब्रशेज, और मेरे पास है ये न्यू मार्स के ब्रश सेट। मुझे इतने टाइम से ट्राई करने थे ना, मैं इतने अच्छे रिव्यू सुन रही हूँ इनके। सो ये मार्स का पैक ऑफ 6 ब्रशेज, इसका नाम है आर्टिस्ट आर्सेनल ब्रश सेट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें आपको 6 ब्रशेज मिलते हैं, पूरी इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, एंड काफी अच्छा बड़ा लग ये सब बॉक्स है, लेकिन इनकी प्राइसिंग काफी अफोर्डेबल है जो मुझे अच्छी लगी। इट्स लाइक वेलवेटी फिनिश, इट्स वेरी नाइस टू गिफ्ट समवन। ओके, सो इसको ब्लेंड करने के लिए आई थिंक आई विल यूज दिस पर्टिकुलर ब्रश बिकॉज ये थोड़ा सा मुझे निकला कैसे फंस गया इसमें, मेरा नेल टूट जाएगा। नाइस फ्लफी ब्रश, इसका साइज काफी सही है, लाइक क्वाइट बिग, तो आप कोई भी तरह की ब्लेंडिंग या फिर अंडर आईज पे आई थिंक पाउडर भी इससे लगा सकते हो, बट मैं इससे अपना कंसीलर ब्लेंड करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इट्स वेरी ज्यादा डेंस नहीं है, थोड़ा सा ये ऐसा है, मतलब इतना कोई डेंस नहीं है, इसको लगाते हैं थोड़ा अजीब लग रहा है। ओके, सो दिस करेक्टर इज लाइक प्रॉपर ऑरेंज करेक्टर, आप देख सकते हो। ब्लेंड करने के बाद भी इसकी पिगमेंटेशन कम नहीं हो रही, आई थिंक मैंने ज्यादा लगा दिया बिकॉज इतना ऑरेंज नहीं चाहिए था मेरी अंडरटोन के लिए, कितना ज्यादा ऑरेंज लग रहा है। मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन, सेम यही फाउंडेशन लेने वाले हैं। सबसे पहले स्वॉच करके देखते हैं कि ये कलर कैसा है हमारे ऊपर। इट्स डेफिनेटली लाइट, मैंने येलो अंडरटोन का लिया था बट ये काफी लाइट है, यू कैन सी काफी लाइट है ये मेरे लिए। या इट्स वेरी लाइट, आई थिंक मुझे कोई डार्क फाउंडेशन मिक्स करने पड़ेगा। लेट मी गेट बैक। सो आई हैड दिस मिलानी का फाउंडेशन, ये मिलानी कंसीलर एंड परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन इन 04 मीडियम बेज। ये थोड़ा सा डार्क है मेरी स्किन के ऊपर, ऑक्सीडाइज होने के बाद ये और डार्क हो जाता है, तो मैं इसमें मिक्स करती हूँ सो दैट मेरा थोड़ा सा स्किन टोन बन जाए। ऑल्सो ये मिलानी वाला काफी हाई कवरेज फाउंडेशन है और ये ऑर्डिनरी का भी, सो आई होप हमारी जो कवरेज आएगी वो काफी हाई आने वाली है। अभी भी लाइट है मेरी स्किन के लिए। आई डोंट नो, ये ऑर्डिनरी का येलो अंडरटोन है लेकिन फिर भी इतना येलो फील नहीं हो रहा है, इन्होंने अंग्रेजों वाली येलो अंडरटोन बना दिया शायद, बट लेट्स सी। एक बार ब्लेंड करके देखते हैं हाउ वेल इट इज वर्किंग। सो मैं फाउंडेशन कभी भी कोई स्पंज या फिर ब्रश से पिकअप नहीं करती, आई ऑलवेज पिकअप माई फाउंडेशन विद हैंड्स। मैं पहले ऐसे स्प्रेड करती हूँ, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है फुल कवरेज अचीव करने का बिकॉज ब्रश से भी अजीब स्ट्रोक आ जाते हैं और ब्यूटी ब्लेंडर तो बहुत ही ज्यादा फाउंडेशन सोकअप कर जाता है। यू कैन सी इसने काफी जो ऑरेंज करेक्टर था ना उसको काफी अच्छे से कैंसल आउट कर दिया, एज एन उसको हाइड अच्छे से कर दिया है। देयर इज नो ऑरेंजनेस
going on. So now to blend this foundation, I'll be using this flat top brush. How the brush looks like? Oh my god, it actually feels quality. मतलब ये चीज़ भी heavy है. मैंने काफी सारे Amazon से brush लिए हुए हैं. लेकिन उनके ये भी काफी हल्का plastic की feel होता था. But इसकी ये branding and all पूरा जो look है ना काफी luxurious है. And this is a flat top kabuki brush looks like काफी अच्छा है. बहुत soft इसके bristles हैं. So जरा अब foundation को blend कर देते हैं. Ooh, it's very soft, यार कितने अच्छे brushes हैं ये. I'm liking it. I like it. I think for the price point, Mars is killing it. I don't know ये इतने सस्ते में इतने अच्छे अच्छे चीज़ें कैसे निकाल रहे हैं. By the way, मेरा कोड भी है Mars के ऊपर, which is Kashika 10. अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लोगे ना तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल जाएगा. बिकॉज काफ़ी सारे अभी भी इनके लॉन्चेस जो है ना वो अमेजोन और किसी ब्रांड पर आए नहीं है, तो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना पड़ेगा. नाउ फॉर कंसीलर, आई हैव दिस ब्लू हेवन का फ्लॉलेस लिक्विड कंसीलर, वाटर प्रूफ, लाइट वेट, अपने आपको क्लेम करता है. इनके काफ़ी सारे शेड आते हैं, यू कैन सी राइट है. इसमें भी एक ऑरेंज अंडरटोन का शेड आता है, बट मैंने शेड लिया है वनीला, जो सबसे लाइटेस्ट शेड है, क्योंकि मैं इसे हाईलाइट करने वाली हूँ. मैंने इसको लिया है इसलिए. दिस आर द पैकेजिंग लुक्स लाइक, काफी सिमिलर है पैक के कंसीलर की पैकेजिंग की तरह. इनफैक्ट यू कैन कॉल इट अ ड्यू बिकॉज उसके लिटरली हाफ प्राइस में अवेलेबल है. सो लेट मी जस्ट सी, इसमें यहाँ पे आपको सेम ऐसी वॉन्ड मिलती है एंड दिस इज हाउ. ओह, इट्स वेरी लाइट. ओके, हाइलाइटिंग के चक्कर में काफी लाइट शेड पिकअप कर लिया. लाइक तो मैं जब भी शूट करती हूँ ना, कंस्ट्रक्शन खत्म ही नहीं होती है. सुबह से बिल्कुल कोई शोर नहीं था. इसमें काफी हाई फ्रेग्रेंस है. Yeah, बहुत ज़्यादा इसमें हाई फ्रेग्रेंस है. बट लेट सी. ओके, इट्स वेरी लाइट फॉर मी. बट चलो यार, देखते हैं थोड़ी सी हाइलाइटिंग करके. आई डू रिवर्स कॉन्टोरिंग. सो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं कॉन्टोर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये हाइलाइटिंग कंसीलर लगाऊंगी. दिस इज कॉल्ड रिवर्स कॉन्टोरिंग. तो अगर आप कॉन्टोरिंग नहीं करते, आप ऐसे कर सकते हो. एंड जो फेस लिफ्टिंग वाला चल रहा है ना आजकल ट्रेंड, जरा वो भी करके देख लेते हैं. हैं, ये तो गायब ही हो गया. और ये बहुत पैची है. ओके, दीज कंसीलर्स आर वेरी पैची. मेरे अंडर आईज पे बहुत अजीब पैचेस बन गए. आई डोंट नो मेरा कैमरा पिकअप कर रहा है नहीं कर रहा, बट नो, बहुत ज़्यादा ड्राइंग है. और अंडर आइज तो वैसे भी सबकी ड्राई होती है, सो ये काफ़ी पैची है. 12 आवर अप टू स्टे का फ्लॉलेस लिक्विड कंसीलर का ये क्लेम करता है. आई डोंट लाइक इट. आई थिंक यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द स्विस ब्यूटी वन, बिकॉज ये इतना अच्छा नहीं है. सो अंडर आई की ड्राइनेस को करेक्ट करने के लिए और थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए, बिकॉज लिटरली उसने कुछ नहीं किया, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ लगाया नहीं है, उल्टा और पैची हो गई है. आई यूज द के ब्यूटी कंसीलर. आई एम लविंग दीज नाउ डेज. ये के ब्यूटी के एच डी लिक्विड कंसीलर एनरिच्ड विद मारोला एंड रोजिप ऑयल. आई थिंक अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, ये कंसीलर आपके लिए परफेक्ट है. मेरी जो अंडर आइज है वो काफी ड्राई है, तो मेरे पे ये कंसीलर्स बहुत अच्छे सूट कर रहे हैं. मैं आजकल इनका बाय द वे यूज कर रही हूँ शेड 140Y. इसको मैं एज अ ऑरेंज करेक्टर यूज कर रही हूँ, नॉट प्रॉपर ऑरेंज, लेकिन इसका हल्का सा येलो अंडरटोन आता है. सो जैसे मैंने अभी स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज किया था ना, जो काफी ऑरेंज था, उसको ब्लेंड करने के चक्कर में और स्किन अजीब सी हो जाती है. मुझे उससे बेटर ना ऐसे वाले कंसीलर लगते हैं. यू कैन सी इसका एक शेड कितना ऑरेंज ही आ रहा है. यहाँ पे मैंने वाला कंसीलर लगाया था, आपको फर्क ही पता चल रहा होगा. इसका बहुत एक अच्छा ऑरेंज अंडरटोन आता है. सो अगर आपका भी मेरे जैसा स्किन टोन, आप डार्क मार्क्स को थोड़ा सा कंसील करना चाहते हो फाउंडेशन लगाने से पहले, ये 140Y मीडियम लेकर देखो, यू विल लव इट. ये तो मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूं, तो ये न्यू नहीं हुआ, बट आई विल बी यूजिंग द अदर शेड. मेरे पास एक और शेड है इनका 110N लाइट. ये न्यूट्रल अंडरटोन का है, ये येलो अंडरटोन का है. ये ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अंडरटोन के हिसाब से आते हैं, विच आई रियली लाइक. सो ये वाई वाला था तो इसकी येलो अंडरटोन है, ये एन वाला है तो इसकी न्यूट्रल अंडरटोन जाएगी. सो इसको मैं यूज करती हूँ अपनी अंडर आईज पे टू जस्ट हाईलाइट इट, बिकॉज अभी वो ब्लू हेवन वाले हैं तो कुछ भी नहीं किया लिटरली, उल्टा मेरी अंडर आईज को और ड्राई बना दिया है. सो लेट्स जस्ट ट्राई दिस वन. ओ, इट्स लाइट. आई थिंक ये परफेक्ट है हाईलाइटिंग के लिए भी. इसी को मैं नोज पे यूज कर लेती. दिस वन ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम. मतलब इसको तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल ईजिली ब्लेंड होता है. एंड नाउ यू कैन सी अ गुड कवरेज. वो ब्लू हेवन वाला तो लगा के पता ही नहीं चल रहा था कि कोई कवरेज आई थी या नहीं आई थी. अब आपको लग रहा होगा कितनी अच्छे से मेरी अंडर आईज हाईलाइट हुई है. बिफोर सेटिंग माई फेस, आई विल बी यूजिंग अनदर क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट, जो है ये जस्ट हर्ब्स का लिप एंड चीक टिंट. मुझे काफी टाइम से ट्राई करना था और ये मैंने लिया है इन द शेड पीची कोरल. मैं आजकल कोरल बेस्ड शेड ज्यादा लगा रही हूँ, आई थिंक मेरे पास ज्यादा सूट करते हैं, नेचुरल लगते हैं. अगर आप एवरीडे बेसिस के लिए कोई ब्लश देख रहे हो ना और आपका मेरे जैसा स्किन टोन है, आपको एकदम पिंकी रेड ब्लश की जगह ना ऐसे कोरल शेड्स दिया करो, ज्यादा अच्छे लगते हैं. सो लेट्स सी. एंड दिस इज हाउ द स्वॉच लुक्स लाइक. काफी नेचुरल पिंकी पिंकी कलर है. मैं एकदम प्रॉपर कोरल भी नहीं बोलूंगी, हल्का सा इसका एक पिंकी पिंकी शेड ही आता है. सो इसको मैं यूज करके देखती हूँ. काफी अच्छा थिक थिक जैसा इसका टेक्सचर है. एंड लेट मी जस्ट टेक इट टू माय हाई पॉइंट्स. आई जस्ट ब्लेंडेड विद माय फिंगर्स ओनली. आई रियली लाइक इट.
मतलब अंडर आई के एरिया जो इतना पैची पैची हो गया था वो ब्लू हेन वाले कंसीलर की वजह से, बट ये काफी अच्छे से ब्लेंड हुआ है, ऐसे बिल्कुल मेरे फाउंडेशन को नहीं हिलाया है. वेरी वेरी इजी टू ब्लेंड विद फिंगर्स एंड यू कैन सी अ नाइस डिफरेंस. मैंने भी बहुत हल्का लगाया, सो पीछी कोर कैसा लग रहा है. बाय द वे जो मार्क था ना बर्न वाला, ये अभी नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, सो आपको ये प्रोमिनेंट अभी दिखता रहेगा बिकॉज अभी ये हीलिंग स्टेज पे है. जरा लिप पर भी यूज करके देखते हैं कैसा शेड आता है, कोरल कलर है. मैंने जो लिप ऑयल लगाया था वो एकदम सूख चुका है, सो अब मेरे लिप्स पर कुछ नहीं है. लिप्स पर ये शेड काफी लाइट है, आप देख सकते हो मेरे स्किन टोन के हिसाब से वॉश ऑफ हो रहा है, लेकिन चीज के लिए काफी सही है. और आप आईलेट्स पे भी इसको लगा सकते हो बिकॉज ऐसे ट्रेंड्स चल जाते हैं आईलेट्स के ऊपर भी. क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट हमने सारे लगा लिए, नाउ इट्स टाइम टू सेट अप फेस. मैं पूरा फेस नहीं सेट करूंगी बिकॉज अंडर आईज अभी भी ड्राई है, ये वाला पोर्शन मेरा हल्का सा ड्राई ही चल रहा है आजकल. मैं खाली टी जोन को सेट करने वाली हूँ. सो आई बी यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो कॉन्टोरिंग पैलेट. आई एम इन द शेड डुल्से डे ले शे, काफी अजीब सा नाम है इसका. ये न्यू प्रोडक्ट नहीं है, इनफैक्ट ये मेरा रीपर्चेज है. इससे पहले वाला मैंने इतना यूज किया था अपने कॉलेज टाइम में, सो मैंने फाइनली इसको रीपर्चेज कर लिया है. अगर आप भी बिगिनर हो ना तो अननेसेसरी अलग अलग लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, कॉन्टोर पाउडर मत लो बिकॉज ट्रस्ट मी ये जो पाउडर है ना ये आपके लूज पाउडर से बेटर काफी बार वर्क कर जाता है. मैं इसी से बेकिंग किया करती थी और वो इतनी अच्छी होती थी ना. लेट मी जस्ट ओपन इट, कहाँ कहाँ से इन्होंने सील कर रखा है. और आई फर्स्ट सेट माई फेस, मैं ये वाला शेड यूज करूंगी. और ये मैंने मार्स का ब्रश लिया जो आई थिंक ब्लश वाला ब्रश है, लेकिन मैं इसी से अपनी ये वाला जो टी जोन वाला एरिया ना वो लेने वाली हूँ. इसका किकबैक देखो, मतलब एक स्वाइप में इसका क्या किकबैक आता है यार. आई थिंक ये बेकिंग के लिए भी इतना अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, आपको अलग से लूज पाउडर लेने की जरूरत ही नहीं है. सो मुझे सबसे ज्यादा स्वेट जो होता है गर्मियों में यही वाले एरियाज में होता है, लाइक अपर लिप्स मेरे काफी जल्दी स्वेटी हो जाते हैं, नोज का एरिया, ये वाला थोड़ा सा एरिया, और आईलेट्स भी मेरी काफी बार स्वेटी हो जाती है. तो मैं थोड़ा सा आईलेट्स पे भी यूज करने वाली हूँ. अननेसेसरी हर जगह प्रोडक्ट मत यूज किया करो. मैं भी पहले यही करती थी, भर भर के सारे कॉम्पैक्ट लगाती थी और थोड़ी देर बाद ही ना ये वाला एरिया अजीब सा क्रैक होना शुरू हो जाता था. यहाँ पर आई थिंक कॉम्पैक्ट की इतनी जरूरत नहीं, इनफैक्ट आपको यहाँ पे नरिशिंग प्रोडक्ट लगाने चाहिए ताकि इतना ज्यादा क्रैक ना हो. आई यूज इट ऑन माई नेक एज वेल बिकॉज ये जो नेक लाइन्स होती है ना यहाँ पर बहुत जल्दी क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और एक कंस्ट्रक्शन ने बर्बाद कर दिया मेरी वीडियो. बट नेवर माइंड, आई डोंट नो मेरे फेस के ऊपर कॉन्टोरिंग का इतना कोई इफेक्ट आता नहीं है बिकॉज लुक एट दिस, आई सो चबी चीक्स, तो ऐसा लगता है कॉन्टोरिंग बिल्कुल यूजलेस है मेरे ऊपर. बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ डूइंग मेकअप मैं कर लेती हूँ. अदरवाइज आई एम मोर ऑफ अ फैन ऑफ रिवर्स कॉन्टोरिंग, जो मैंने बताया था ना नीचे हाईलाइटिंग कंसीलर लगा लो एंड यू आर गुड टू गो, तो मैं वही करना प्रेफर करती हूँ. आई कॉन्टोर माई डबल चिन एज वेल बिकॉज ये कॉन्टोर करने की ज्यादा नीड है बिकॉज फोन में से सारे दिन देखते रहो ना तो ये चीज़ बड़ी अजीब सी हो जाती है. सो मैं इसको थोड़ा सा कॉन्टोर कर लेती हूँ ताकि अच्छी शेप आए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आईज. आईज के मेरे पास दो कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्ट हैं. सबसे पहले है ये सेरी का फैंटेसी आई शेडो स्टिक जो दिखती है कुछ इस तरह से. सेरी का मैंने लिप बाम ऑर्डर किया था जो पेंसिल जैसा आता है, मैंने आपको मार्च के फेवरेट्स में भी फीचर किया था, आई लव्ड इट. सो उसके बाद मैंने इनका आई शेडो स्टिक भी ऑर्डर किया है. आजकल मुझे आई शेडो, लिक्विड आई शेडो स्टिक्स ऐसी काफी पसंद आ रही है बिकॉज ये ज्यादा इंटेंस होती है, इनको अप्लाई करना ईजी होता है और ब्लेंडिंग का इतना कोई वो भी नहीं होता बिकॉज ये काफी स्मूथली ब्लेंड हो जाती है. सो ये कुछ इस तरह से, और मैंने मंगवाया है शेड E4 डेनिम. इसका लिटरली डेनिम जैसे ही शेड आप देख सकते हो, मैंने एक बार स्वॉच भी अभी करके देख लिया. सो दिस ऑल द शेड लुक्स लाइक. इसमें बहुत हल्के ग्लिटर पार्टिकल्स हैं, मतलब बहुत हल्के, दिख भी नहीं रहे हैं. इसी को मैं ब्लेंड करूंगी ये वाली आई शेडो से. ये है मार्स का फैंटेसी 15 आई शेडो पैलेट. मैंने मार्स का एक आई शेडो पैलेट ऑलरेडी फीचर किया हुआ है, इनका फैंटेसी वाला जो काफी कलरफुल था. मैं यहाँ पे उसका कोड डाल दूंगी, आई लव्ड इट. सो उसके बाद मैंने ये वाला अब ट्राई करने वाली हूँ. इसके अंदर भी बहुत अच्छे कॉकटेल कलर है. ये बाय द वे शेड है इसका 04. सो दिस ऑल 04 लुक्स लाइक, एकदम परफेक्ट जो नाइट टाइम वेडिंग और कॉकटेल पार्टीज के लिए कलर होता है ना, इसका बिल्कुल वैसा कलर है. अगेन अगर आप वेस्टर्न ड्रेसेस के लिए कोई पैलेट देख रहे हो तो ये भी परफेक्ट है बिकॉज आप इससे कोई भी ब्लू और ब्लैक स्मोकी आईज इजिली क्रिएट कर सकते हो. मैं क्या करने वाली हूँ, आई जस्ट टेक दिस और मैं इसको एकदम रफली अप्लाई करूंगी. बिल्कुल भी प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है. अभी भी आप कोई भी स्मोकी आई लुक करो ना, हमेशा इसी पेंसिल आई शेडोज पहले यूज करो बिकॉज इससे काफी अच्छी एक इंटेंसिटी आती है. सबसे पहले मैं ये वाला ब्रश ले रही हूँ जिनका लास्ट वाला ब्रश था. आई थिंक इस ब्रश का नाम है आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, जो काफी छोटा और राउंड फ्लफी सा ब्रश है. ये वाला पैलेट लूंगी और इसमें से कलर पिक करूंगी सेम, जो ये वाला ब्लू कलर है ना विच इज ऑलमोस्ट सेम टू दिस. सो मैं इसको थोड़ा सा पिक करने वाली हूँ. लेट मी जस्ट स्वॉच इट, इंटेंसिटी कैसी है. इट्स नॉट दैट लाउड, इसलिए मैंने बोला था हमेशा ऐसे पेंसिल पहले लगाया करो बिकॉज इनकी इंटेंसिटी किसी भी पाउडर प्रोडक्ट से बेटर आती है. सो इसको मैंने पिक कर लिया, एक्सेस को थोड़ा सा हटा देती हूँ एंड देन आई जस्ट स्टार्ट ब्लेंडिंग इट. सो मैं क्या करूंगी, ऊपर की तरफ से इसको ब्लेंड करना शुरू कर दूंगी. ओके ये ब्लेंड भी नहीं हो रहा है. ओ माय गॉड ये सेट हो गया आई शेडो, मुझे लगा ये भी ब्लेंड होगी, ये प्रॉपर सेट हो चुकी है. ब्लेंडर हो गया, ब्लेंडर हो गया, काफी तगड़ा ब्लेंडर हो गया. ये तो सेट हो गई,
ये बज भी नहीं हो रही. ओ माय गॉड, मैं अपनी पुरानी वाली ट्रिक यूज करने वाली थी जो मैं स्मोकी आइज करती हूँ ना काजल से, मैं वही यूज करके ब्लेंड करने वाली थी. बट थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करते हो कशिका आप, तो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ. ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा वेट करती हूँ सो दैट ये अच्छे से थोड़ा सा वेट हो जाए. जो आई शेडो मैंने अभी लगाई है ना स्टिक, वो थोड़ा सा मेल्ट इन होनी शुरू हो जाए. एंड देन स्टार्ट ब्लेंडिंग. 2000 years later. लग रहा है मैं सालों से ब्लेंड कर रही हूँ, बट चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत तो अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है. आई थिंक दीज आई शेडो स्टिक्स आर लिटरली अप्लाई एंड सेट. अगर आप पूरी आईलेट से कुछ ऐसा चाहते हो ना जो पूरे आपके 8-10 घंटे के फंक्शन ना हिले, आई थिंक दीज आई शेडोज आर एक्चुअली गुड. बिकॉज लुक एट दिस यार, मुझे लगा ये ब्लेंडिंग वाली आई शेडो स्टिक्स होंगी बट ये हिलती नहीं है. मैं खुद आप सबके सामने प्रैक्टिस कर रही हूँ यार, इट्स ओके. हर एक को परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता. मेकअप इज लिटरली आर्ट, और आर्ट किसी भी फॉर्म की हो सकती है. नोबडी इज एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम यू. सो मेरा मोटिव नहीं था इतना लाउड आइज करने का, बट उसको ब्लेंड करने के चक्कर में काफी लाउड हो गया. और कर ही दिया है तो अब इसको पूरा ही कर लेते हैं ना. आई जस्ट पिक अप दिस शिमरी ब्लू कलर, जो थोड़ा सा ब्लू कलर में है लेकिन शिमरी है, सो दैट एक अच्छा फॉइल इफेक्ट सॉर्ट ऑफ आए आईज के ऊपर. सो मैं इनर से लेके खाली मिड तक आऊंगी, ज्यादा बाहर तक नहीं लेके जाऊंगी, ताकि एक ग्लॉसीनेस आए आईज पे. लाइक यू कैन सी द डिफरेंस, ये कितनी अच्छी लग रही है और ये कितनी डल लग रही है. सो एक ग्लॉसीनेस के लिए मैं फिंगर से ही लगा रही हूँ. आई थिंक ऐसे जो शिमरी पिगमेंट होते हैं ना, ये फिंगर से ही बहुत अच्छे आते हैं. दिस पिगमेंट इज एक्चुअली वेरी नाइस यार. नाउ फॉर मस्कारा, आई हैव अगेन फ्रॉम द ब्रांड मार्स. ये मार्स का फैब्यूलैश मस्कारा, ये मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया था. मैंने एक स्टोरी भी डाली थी कि आई एम सो इम्प्रेस्ड, मैंने उसे फटाफट यूज कर लिया था बिकॉज मेरे से वेट नहीं हो रहा था. सो दिस आउट द मस्कारा लुक्स लाइक. ये आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है बिकॉज आई थिंक 250-200 रुपीज के अंडर ही आपको अमेजोन से मिल जाता है, और ये इतना सही है ना. सो इसमें ऐसे कन्वेक्स और कॉनकेव दोनों आपको ऐसे साइड मिल रही है, इसे आप ऊपर या नीचे लगा सकते हो तो काफी ईजी रहता है. आपको दोनों साइड एक ही मस्कारा एप्लीकेटर में. सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं ये वाली साइड यूज करती हूँ और इससे जो वॉल्यूम आती है, मतलब ओ माय गॉड, लाइक लुक एट दिस. ये वाली आईज देखो और ये वाली आईज देखो. इस आईज पे तो लग रहा है कि मेरे पास आई लैशेज ही नहीं है बिकॉज ये खत्म लग रही है. वेयर एज यहाँ लग रहा है कि मैंने प्रॉपर फेक आई लैशेज लगाई है, लेकिन ये फेक नहीं है. इट इज अ मैजिक ऑफ दिस मस्कारा. आई एम लविंग इट यार. Let me just do on other eyes and get back. Now coming to lipstick, I have two options. एक है super affordable जो है Mars का lipstick box set, लेकिन मैं आपको already अभी video में दिखा चुकी हूँ जो मैंने इससे पहले बनाई थी, तो वह completely new नहीं हुआ. आप वो video जाके देख सकते हो. Best lipsticks under ₹299 उसमें मैंने दिखाई थी. I'll be trying something very very new. So मेरे पास है ये Huda Beauty का silk balm जो थोड़ा सा glossy balm जैसा है, so इसको lipstick नहीं consider कर रहे हैं. ये दो हमारे पास, एक है The Balm Cosmetics की in the shade Committed जो काफी अच्छा nude shade है, और एक है MAC की क्रेविंग जो काफी अच्छा ऐसे पिंक टोन सॉर्ट ऑफ शेड है. सो आई थिंक आई यूज दिस वन बिकॉज ये हल्का सा लाइटर है एज कम्पेयर टू द मैक वन. दिस इज परफेक्ट बिकॉज आईज पर बहुत ज्यादा ड्रामा हो चुका है, इतना मैं करती नहीं हूँ, बट स्टिल सो आई अप्लाई अ वेरी लाइट शेड ऑन लिप्स. ओके, लाइट के चक्कर में काफी लाइट हो गया. दिस इज वेरी लाइट. आई थिंक वॉश ऑफ कर रही है मेरे स्किन को बिकॉज ये पता भी नहीं चल रही. आई अप्लाई अ डार्क शेड, सो आई पिक अप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शेड. इसमें मार्स में मेरा एक फेवरेट शेड चल रहा है आजकल जो है ये 04 मार्स का. द शेड नेम इज इंस्टेंट फ्लश. इनका मैट लिपस्टिक बॉक्स सेट है, सो मैं यही इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ बिकॉज ये काफी लाइट है यार. नहीं, बहुत लाइट है. लास्ट आई हैव दिस न्यू लॉन्च बाय मार्स जो है मार्स का सील द डील मेकअप फिक्सर. इसका ऑलरेडी मैंने कशिक क्विक रिव्यू इंस्टाग्राम पे कर दिया है, तो मैं ज्यादा इसकी बात नहीं करने वाली. मैं नीचे लिंक कर दूंगी, आप जाके देख सकते हो. ये ड्यूई फिनिश का एक सेटिंग स्प्रे है, सो आई जस्ट शेक इट रियली वेल. और मैं आईज को थोड़ा कवर कर देती हूँ बिकॉज मैं आईज पर ये नहीं चाहती यार, बहुत ज्यादा फिर फैला फैला हो जाता है. इसमें हल्की सी फ्रेग्रेंस है विच इज नॉट दैट इरिटेटिंग. खुशबू आएगी लेकिन वो इरिटेट नहीं करती स्किन को, और ये फटाफट ड्राई हो जाएगा और बहुत अच्छी ड्यूइनेस देगा. आई थिंक आई एम लेफ्ट विद हाइलाइटर, टोटली फॉरगॉट हाइलाइटर. अभी मेरी स्किन हल्की सी डैम्प है ना, तो हाइलाइटर बहुत अच्छे से ग्लो करेगा. सो आई जस्ट पिक अप दिस पर्टिकुलर ब्रश. और कुछ हाइलाइटर का जुगाड़ हो सकता है या आई थिंक इससे थोड़ा सा हो जाएगा. चंकी है बट काम चल जाएगा. सो आई जस्ट यूज दिस. ज्यादा हो गया कशिका, ज्यादा हो गया, लाउड हो गया मेकअप, लाउड हो गया. एंड आवर लुक इज कम्प्लीट. हमने सारा न्यू मेकअप यूज किया. लेट मी नो इफ यू लाइक इट और नॉट. ऑनेस्टली ये जो ब्लू आईज है ना, ये मेरा टाइप नहीं है. मैं इतनी लाउड आईज नहीं करती, बट आई डोंट नो आज मैंने कर दी. आई थिंक यहाँ पर ज्यादा इंटेंस होगी, यहाँ पे कम है. आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है. बट डू लेट मी नो इफ यू लाइक दिस लुक और नॉट. ऐसी जो लाउड ब्लू सॉर्ट ऑफ स्मोकी आईज होती है ना, ये कॉकटेल पार्टीज में आपने कोई गाउन पहना हो, साड़ी पहनी हो, बहुत अच्छी लगती है. सो डेफिनेटली मैं रिक्रिएट कर सकती हूँ, ऑल दो आई एम नॉट अ वेरी लाउड पर्सन. बट डू लेट मी नो, आई लव द होल कॉम्बिनेशन. ये न्यू लिप्स का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा न्यूड पिंकी आईज ब्लू एकदम परफेक्ट लग रहा है. बेस भी ठीक ठाक निकल के आया. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. डू लेट मी नो ये लुक आपको अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी.